परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। बना करके एक घास फूस का तैरने वाला बेड़ा सा बना के उस पर लिटा देते हैं और ऐसे सत्कार से उसको बहा देते हैं। वो बहता हुआ आ रहा था, तब सैनिक स्नान कर रहे थे, उन्हें दूर से देखा कि वो आ गया मुर्दा, एक मुर्दा आ गया, मुर्दा आ गया। सबको पता चल गया था कहानी क्या है, तो सभी आकर इकट्ठे हो गए। कबीर साहब भी आ गए, सिकंदर उसको शेख तकी को बुला लाए। तब परमेश्वर ने कहा, शेख तकी पहले तू जंतर मंत्र कर ले, कदे फिर नंबर बनावे और करके दिखा इसको जीवित। तो सभी और भी उपस्थित थे, उन्होंने कहा जी ठीक है, देखो जब दो के बीच में कोई होता है तो दोनों ने ही अपनी दिखानी चाहिए शक्ति। तो लग गया फूफा करण, वो चला गया मुर्दा आगे, काफ़ी दूर चला गया। तो शेख तकी कहता है कि ये अपने सिर से बला टालना चाहता था, मुर्दे जिंदे होते कभी? वो तो कयामत के समय मुर्दे जिंदे हुआ करते हैं, कयामत आओगी कभी, जैसा वो नर टाला रखा है। तो परमात्मा ने उस मुर्दा जो बहता जा रहा था डाउन स्ट्रीम में, जिधर पानी के बहाव में काफ़ी दो तीन फरलांग चला गया था, हज़ार गज के लगभग, हज़ार फुट की दूरी, तो वहाँ से मालिक ने ऐसे संकेत किया, मुर्दा वापस चल पड़ा, जैसे इंजन वाली किश्ती धारा के विपरीत बहकर चल फ्लोट होकर चलती है, और सामने आकर रुक गया, नीचे लहर चल रही है। तब परमात्मा ने कहा था कि हे आत्मा, तू जहाँ भी है कबीर हुक्म से वापस आ और इस मुर्दे में, इस बच्चे के शरीर में प्रवेश कर दोबारा और बाहर आ जा। बोलो सतगुरुदेव। उसी समय वो बच्चा जीवित हुआ, कंपन हुई शरीर में और परमात्मा के चरणों में आकर दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। जय जयकार होगी। सब ने कहा कमाल कर दिया कबीर जी, कमाल कर दिया कबीर जी। परमात्मा ने उस बालक का नाम कमाल रख दिया और उस बच्चे को कोई चेत नहीं, तू कौन है, कहाँ का है, उसको अपनी पिछली याद खत्म। तो परमात्मा ने उस बालक को अपने साथ रखा था, परमात्मा की अपनी कोई निजी संतान नहीं थी और ना ही परमात्मा कबीर जी ने कोई विवाह किया था, कोई स्त्री उनका नहीं थी। अब लंबी कहानी ना सुना करके आगे आपको बताता हूँ कि शेख तकी ने एक और परीक्षा लेनी चाही। उसने कहा कि ये तो मुर्दा सदमे में था और सदमे वाला जीवित हो जाता है, जब जानो मेरी बेटी 10-12 काफ़ी उस समय से, मैंने 2 महीने से कब्र में दबा रखी है, यदि मेरी लड़की को जीवित कर देगा मैं मान लूँगा कबीर इज गॉड, कबीर अल्लाह है, और नहीं तो ये भगवान नहीं है, फिर डंडोरा पीट दूंगा। अब फिर चिंतित हो गया कि सिकंदर लोदी के इसने तो कोई ना कोई सिर दर्द मेरा बना के ही रखना है। तब कबीर साहब को पता चला टेंशन का, तब कबीर साहब ने कहा कि ऐसा करो सिकंदर, इनसे कहो आप आसपास के अक्षेत्र में अनाउंसमेंट कर दो कि तीसरे दिन शेख तकी की बेटी कब्र से निकाल कर कबीर जीवित करेगा कबीर जी। अब सिकंदर जी को तो पता था कि जो कह दिया फाइनल, उसने तुरंत मुनादी करवा दी, 100 आसपास लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए जिस दिन मालिक ने समय रखा था, कब्र फुड़वा दी, सिकंदर शेख तकी खड़ा, सिकंदर राजा खड़ा, मंत्री खड़े और भी दर्शक बहुत गणे। उस कब्र को फोड़ दिया गया, बच्ची का शव उसके अंदर था, 12-13 साल की लड़की थी। अब परमात्मा ने कहा कि शेख तकी अब तू अजमा ले अपना
जंतर मंत्र, कहीं फिर 5-6 नंबर बना हुए। तो वहाँ उपस्थित सभी व्यक्तियों ने कहा, जी अगर इसके पास कोई शक्ति होती तो अपनी बेटी ने कौन मिट्टी में दाब कर जाता, ये तो फेल है इस मामले में, आप दया करो। तब परमेश्वर ने कहा कि हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा। लड़की जीवित ना हुई, और शेख फिर कहा कि शेख तकी की बेटी जीवित हो जा, ना हुई। तो शेख तकी ने भंगड़ा पा दिया, नाच कूद, देखो ढोंगी का ढोंग पकड़ा गया, मुर्दे कभी जीवित होते हैं, ये तो कयामत में होते हैं, कयामत में होते हैं। उस नालायक व्यक्ति ने अपनी बेटी के जीवित ना होने का गम नहीं, कबीर साहब के हारने की खुशी मना रहा है। तो ये होते हैं साकेत प्राणी के लक्षण। सामने भगवान खड़े और उसके साथ खसने लग रहे। परमात्मा ने तीसरी बार फिर कहा, वह फिर भी नहीं हुई, तो और ज़्यादा जंप लगावे, कूदे, नाचे, डांस करे। परमात्मा ने कहा, डट तजा बंडे ले, तू शांति करे। वो तो उसको दिखाना था उसकी नीचता जनता को कि ये अपनी बेटी को जीवित कराने में खुश नहीं है, ये तो कबीर जी को हराने में खुश है, ऐसा साकेत व्यक्ति है। उसी समय परमात्मा ने कहा कि हे जीवात्मा, जहाँ भी है तू कबीर हुक्म से वापस आ, और इस बेटी के शव में प्रवेश कर, बेटी वापस आ। 2 सेकंड के अंदर लड़की जीवित होकर मालिक के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। अब सब ने कहा कि दाता कमाल कर दिया, मालिक कमाल कर दिया, परमात्मा परमेश्वर ने कहा कि उसका नाम कमाली रख दिया परमेश्वर ने, और जा बेटी तेरे पिता के साथ ले जा शेख तकी। अब वो लड़की कहती है कि नहीं, आज मुझे अपने ओरिजिनल फादर का पता लग गया, ये तो नकली पिता था, मुझे माटी में डाल गया, आज मुझे अपने असली पिता का पता लग गया। और 1.5 घंटे तक उस लड़की ने वहाँ कथा सुनाई, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। अपने आत्माओं, परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ दास, गेल गेल लाग्या फिरूँ जब तक धरती आकाश। अब ये जो पिछली पीढ़ी का समय अब चल रहा है, और जितने पुण्यात्मा श्रद्धा से नाम लेंगे ये तो पार होंगे ही होंगे, ये तो करोड़ों की संख्या में, लाखों अरबों की संख्या में पार होंगे। लेकिन इस भक्ति युग के अंत में कुछ ऐसी काल के दूत आएंगे, धीरे धीरे भ्रमित करना शुरू करेंगे, तो अपने आप ऑटोमेटिकली है, वो तो होगा ही होगा। उस समय कुछ भक्त रह जाएंगे, वो पार ना हो पाएंगे, तो उनमें से यही आत्मा कमाली और कमाल की थी। तो परमात्मा उस लड़की ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई, पहले भी ये मुसलमान घर में जन्मी थी, ये अपने पिता के घर पर थी, और श्रद्धा पिछली भक्ति की इतनी गजब की थी, बहुत गनी। और वहाँ परमात्मा जब ये लड़की चारा लेने के लिए पशुओं का खेतों में गई हुई थी, वहाँ भगवान मिले थे कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में, एक कुएं पर बैठे थे। तो वहाँ लड़की ने भी अपना जो चारा ला कर था उस वृक्ष के नीचे रखा, उस समय विश्राम करने के लिए साधु मिल गए, पीर जी खड़े देखे तो उनसे प्रणाम किया। परमात्मा ने काफ़ी उसको ज्ञान दिया, बेटा भक्ति करनी चाहिए। वो कहती, जी भक्ति करती हूँ, ईद बकरीद मनाते हैं, नमाज करती हूँ, ऐसे करती हूँ। परमात्मा ने सारा ज्ञान समझाया, बेटी ये ईद और बकरीद मनाना, मांस खाना, ये महापाप है, ये नहीं खाना चाहिए, कोई आपको काट कर खावे कैसा लगे। लड़की स्तब्ध हुई, बच्चे का जल्दी घर करती है ये ज्ञान, अज्ञान भी और ज्ञान भी, बुराई भी और अच्छाई, बच्चा जल्दी ग्रहण करता है जैसा उसको माहौल मिलता है। काफ़ी ज्ञान सुनाया, बेटी ये भक्ति नहीं, भक्ति अलग से हट के इसके। अब सामने देखा कि भी मुसलमान ही है, ये बता रहा है, तो बच्ची के बात समझ में आ गई। कहने के, भगवान फिर क्या करूँ कि बेटी जो मैं साधना बताऊँ ये करना, और ये 2 दिन का जीवन है, असंग जन्म हो गया, जन्म तेर मृत्यों को मैं ऐसी साधना बताऊँगा ये पीछा छूट जाएगा। लड़की ने नाम ले लिया, और बेटी मांस नहीं खाएगी, अगर नहीं खाऊँगी महाराज, कत्ती नहीं खाऊँगी, कोई कंपलसरी नहीं मांस खाना, खाओ तो खाओ, मैं नहीं खाऊंगी। लड़की ने दृढ़ निश्चय किया,
और लड़की होगी 17-18 साल की, विवाह से मना कर दिया, इतना वैराग हो गया उसके अंदर, और माता पिता को चिंता होगी कि बेटी को हम घर पर नहीं रख सकते, उधर से वो विवाह को मना कर रही है। तो लास्ट में फादर माता पिता ने कह दिया, बेटी अगर तू विवाह नहीं कराएगी तो हम दोनों आत्महत्या करेंगे, हम तुझे यहाँ नहीं देख सकते, बेटी को कैसे रखेंगे, कल न पता नहीं क्या उख चुक हो जाएगी। अब लड़की ने सोचा है बूढ़ा बुढ़िया मरेंगी, उसने यस कर दी कि ठीक है मैं शादी करवा लूँगी। विवाह हो गया एक बहुत अच्छे नेक अफसर के अधिकारी के, उसका विवाह हुआ, क्योंकि जो भगवान की भक्ति करे वो तो ठीक ठिकाने जागा बालक। वो नेक आदमी था, मुसलमान, भगवान से डरने वाला था। ठीक है हम परंपरागत से गलतियां कर भी रहे हैं अपने समाज अनुसार, लेकिन पिछले संस्कार भी हमारे साथ रहते। वो बहुत ही अच्छा आदमी था, नेक आदमी था, भगवान से डरने वाला, वैसे भी स्वभाव अच्छा होता व्यक्तियों का, चाहे हिंदू होते मुसलमान सिख हो या ईसाई, उनका अपना भी कुछ आधार होता पूर्व जन्म का। तो जब वो लड़की वहाँ विवाह करके वहाँ गई अपने पति के पास, तो उसको कहा कि मैं आपसे कर्ज करना चाहूँगी, वो मेरी अर्ज सुनो। उसने कहा कि बोलो, एक छोड़ दो, दो बता कि मैं संतानों उत्पत्ति नहीं करूँगी, मैं स्पर्श नहीं करूँगी आपको, और आपने यदि मेरे साथ बलपूर्वक किया तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। तो उसने कहा, उसका नाम राबिया था, कि राबी आपने निकाह कबूल क्यों किया, मना कर देती कोई कंपलसरी, मुसलमानों में एक ऑप्शन है लड़की स्वीकृति देगी तब विवाह होगा नहीं तो नहीं होगा। तो उसने कहा कि राबिया ने कहा कि मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने स्वीकृति देनी पड़ी। उसने उसके पति ने पूछा कि मजबूरी क्या थी तेरी, कि मैं चाहती हूँ भगवान की भक्ति करना, और मुझे एक संत मिले थे, उन्होंने मुझे एक ज्ञान दिया था, उस आधार पर मैं दृढ़ हूँ और यो असंग जन्म का झंझट डिपका खत्म कराऊंगी, मैं इसलिए ब्याह नहीं करूँ करवाऊँ थी मात पिता से। तो उसने कहा कि अपने मात पिता के सामने मना करना था कि मैंने खूब किया था, उन दोनों ने आत्महत्या करने की ठान ली पक्की, तब मैंने स्वीकृति देनी पड़ेगी, इसलिए कि आगे कोई भगवान मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, अब मैं ये काम करूँगी नहीं। वो दयालु था, उसने कहा, और मुसलमानों में अनेक शादियाँ हो जाती हैं, एक कोई खास बात तो नहीं उनके लिए थे। तो उसने कहा, राबिया जैसे तुम्हारे माता पिता लोक लाज मर्यादा के कारण आत्महत्या तक नौबत आ गई थी, ऐसे हमारी भी मर्यादा है। ठीक है मैं वचन देता हूँ, आज के बाद तू मेरी सिस्टर की तरह रहेगी, लेकिन समाज की दृष्टि में तूने मेरी पत्नी की तरह रहना पड़ेगा, और तेरे लिए अलग स्थान बना दूंगा, खूब भक्ति कर पर मरिए मत, ये पाप मुझे लगेगा, मैं अपना और विवाह करा लूँगा। तो उसने ऐसा ही किया, महापुरुष ने अलग से उसका कमरा नारा बना दिया और बैठ अपनी भक्ति कर उसने विवाह करवा लिया। जब वो राबिया 50 वर्ष के ऊपर होगी और वो देखा करता था, ये तो बार झांकती भी नहीं किसी गैर पुरुष की तरफ, भक्ति और के अतिरिक्त ही अपना काम धंधा रोटी बनाई खाया, इससे यदि कोई काम नहीं जानती। उस लड़की ने क्या गलती कर दी, वहाँ जाने के बाद सत्संग का अभाव हो गया, भगवान फिर मिले नहीं, परंपरागत लोक वेद के आधार से मालिक वाली साधना जो उसने प्रथम मंत्र दिए थे वो त्याग दिए, और वहाँ जो समूह था जैसा भी साधना चल रही थी वो एक करण लागी, नमाज नमोज मांस नहीं खाती थी वो, ईद बकरीद के दिन रोजे अवश्य रखती थी लेकिन वो मांस नहीं खाती थी। जब वो 50-55 वर्ष की होगी तो उनके अंदर एक विशेष धारणा बनी हुई है लोक वेद के आधार से मुसलमानों में, कि जो हज नहीं करके आवेगा उसकी मुक्ति नहीं। तो उसने अपने पति से कहा, जी मैं हज करना चाहती हूँ। उसने कहा, जाओ बहुत खुशी की बात है, आपका तो उद्देश्य यही है अभी कल्याण हो किसी तरह, आपके लिए कोई ऊँट की सवारी का प्रबंध कर देता हूँ। उसने कहा, नहीं। राबिया ने कहा, नहीं मैं पैदल जाऊंगी, श्रद्धा से जाऊंगी, और भी बहुत से ली जा रही हैं, और भी बहुत से लोग जा रहे हैं, मैं उनके साथ चली जाऊंगी। अच्छा जाओ फिर। अब वो चल पड़ी, अपने आत्मा देखते जाना इसका रिजल्ट क्या है भक्ति का, हमने आज तक छोटे मोटे चमत्कार किसी के देख लिए उसी को सिद्ध और महात्मा और भगवान मान लिया, ये अध्यात्म ज्ञानहीनता थी। अब लड़की जा रही थी वो माई, और
सफर में कोई आगे चला गया, कोई पीछे रुक गया, उस समय वो अकेली जा रही थी। रास्ते में उसको प्यास लगी, खुद स्वयं को सामने कुआं देखा, कुआं था, कुएं पर बाल्टी नहीं थी, ना कोई रस्सी थी, एक कुतिया प्यासी थी, उसके बच्चे छोटे छोटे दूरी पर उसने देख लिए थे, और कुतिया कभी कुएं में झांक रही थी, कभी राबिया के पैरों में आकर चाट रही थी, फिर कुएं की तरफ भाग रही थी। समझ गई राबिया कि यह प्यासी बहुत है, और यदि इसको जल नहीं मिला तो ये मरेगी, साथ में मरेंगे बच्चे इसके। और औरत के अंदर दया भगवान ने एक नारी दे रखी है, विशेषकर बच्चों के समय, तो वह एकदम, और कुछ पिछले संस्कार थे, भगवान आत्मा थी, भगवान से कोई जन्मों से पीछे से चलती आ रही थी, फिर हम रह जाते हैं, बिचल जाते हैं, छोड़ देते ये माया, इस माया में फंस जाते। तो उस लड़की ने देखा आसपास कोई गांव नगर नहीं, ना कोई रस्सी है ना बाल्टी है। लड़की ने अपने कपड़े उतारे, पहले मोटे मोटे कपड़े हुआ करते थे, हाथ के बने हुए, अपना कपड़ा उतारा, चुंदड़ी, और उसको अपने बाल पाड़े, एक दो चार बाल पाड़ के देखियो कितना दर्द होगा। लेकिन उस परमार्थ में उस बेटी ने एक नहीं देखा, फटाफट अपने सारे बाल पाड़ कर रस्सी बनाई लंबी, बहुत लंबी रस्सी बनानी पड़ी क्योंकि पानी गहरा था, बांध कर उसने अपनी वह कपड़ा और उसके अंदर पानी में भिगोया, और बाहर एक मटका टूटा हुआ पड़ा था, उसका पात्र था आधा, उसमें निचोड़े कुतिया साथ साथ पीवे, वह कुतिया छका दी, अपने बाल बूढ़ खून खान निकला था उसको पूछ पाछ के, और चालन की तैयारी करी थी। उधर से वो मक्का एक स्ट्रक्चर एक मंदिर न्यों का न्यों उठ गया जहाज की तरह, और उस कुएं के साथ में आग लग गया, जैसे प्लेटफार्म पर गाड़ी लग जाती है रेलगाड़ी। अब उसने देखा, उसने जाना ही मक्का में था, उसने सोची तो पहुंच गई मक्का, फट मक्के में प्रवेश किया, फिर वहां से उठा, वहां के लोग दे हैरान है मक्का गया कहां। उस समय एक इब्राहिम अधम नाम सुल्तान नाम का एक व्यक्ति था, वो अपने पूर्व जन्म में भी संस्कारी था, ऐसे ही भगवान का ही वो पिछला संस्कारी था, और उसने भी उसको भी उस जन्म में परमात्मा कबीर जी मिले थे, जिंदा महात्मा के रूप में उसको भी ज्ञान दे रखा था, और वो सुल्तान अधम वाली आत्मा, सुल्तान अधम तो वो आगे आके बना है, वही आत्मा उस मक्का में गई हुई थी मुसलमान होने के नाते, कि वहाँ के लोगों को समझाऊँगा कि ये साधना गलत है। तो वहाँ वो तर्क प्रचार कर ही रहा था बैठ कर, तो लोगों ने पूछा ये मक्का कहाँ गया। तब अधम सुल्तान ने कहा, उस आत्मा ने कहा, मक्का नहीं मकाम, और गया रांड के लेन को नो कह अधम सुल्तान। अब सुल्तान अधम तो ये कह रहा है कि एक रांड को लेने गया निकम्मी औरत को, अब आम आदमी के गले कैसे उतरे कि निकम्मी आदमी औरत को के लिए मक्का चला गया। लेकिन वो किस दृष्टिकोण से कह रहा था, कहते सुल्तान अधम मक्के गया, मक्का नहीं मुकाम, गया रांड के लेन कोनो कहे अधम सुल्तान। वो कहने लगे कि आप क्या बात है, कैसे किसको लेने का, इतने मक्का वापस आ गया। उसमें वापस आया तो वो लड़की जिसके सिर पर बाल नहीं, सारी कहानी उसने बताई, और देखने वाले भी आसपास निकट इकट्ठे हो गए थे, कैसे हो गया, वो भी मक्के में चढ़ लिए साथ में। तो आके जब उसने पूछा कि क्या कारण हुआ, उन्होंने सबने मिलकर बताया कि ऐसे ऐसे इसने एक कुतिया और उसके बच्चों की जान बचाई, बाल पाड़ कर रस्सी बांट के पानी पिया, और ये उद्देश्य लेकर यहाँ आ ही रही थी, तो भगवान ने इसके लिए मक्का ही भेज दिया। तो इतनी प्रशंसा की पात्र बन गई पूरे मुसलमान धर्म में कि भक्ति हो तो राबी जैसी, भक्ति हो तो राबी जैसी, जिसके लिए मक्का भी उठकर चला गया। लेकिन क्या इससे मोक्ष था उसका। फिर इब्राहिम सुल्तान अदब से पूछा कि आप इसको ऐसी निकम्मी लड़की क्यों कह रहे थे, इसने तो ऐसा कुर्बानी कर दी, जिसके लिए मक्का चला गया उसको आपने कैसे कहा ये निकम्मी लड़की है। तब इब्राहिम सुल्तान वाली आत्मा ने कहा कि यह निकम्मी है, इसको भगवान मिले थे,
जिंदा महात्मा के रूप में। रिश्नवा भक्ति छोड़ दी, ये डलेड हो रही है इसलिए निकम्मी है। उसके बाद राबी ने बताया कि फिर मेरा जन्म वो मृत्यु होगी वहाँ मेरी प्रशंसा हो रही है, अगला जन्म मेरा एक बांसुरी का हो गया। एक बांसुरी नाम की लड़की बनी मैं, और गाने गा गा के इतनी सुरीली आवाज से पर धार्मिक गात भगवान की शब्द सुनाया करती थी, बहुत प्रसिद्ध होगी। और वह भी फिर वर्द हुई जब मक्के में गई। अब मक्के में जाकर उसने पता था कि जो मक्के में मरता है, ऐसा ज्ञान सुन रखा था लोक वेद से, वो सीधा भिष्ट जाता है, स्वर्ग में जाता है, हेवन में जाता है। लड़की ने सोचा हेवन के लिए तो ये सारा कुछ कर रहे हैं, और मक्के में मरने से हेवन मिलता है, स्वर्ग मिलता है, तो वहीं कर्द से अपनी तलवार का से गर्दन काट दी, मक्के में चढ़ा दी। सबको वाह वाह की पात्र बन गई कि भक्ति हो तो बंसुरी जैसी, बंसुरी तो गई सीधी भिष्ट में, सीधी स्वर्ग गई है, तो इसने मक्के में शीश चढ़ा दिया। फिर बताती है कि मैं कहाँ गई, अगला जन्म मेरा एक वैश्या का बना, मैंने अपने खूब कर्म फोड़े, वो मेरा जन्म फिर समाप्त हुआ। अब मेरी आयु 12 वर्ष की मनुष्य जीवन की शेष थी मानव शरीर की, और ये भी वहाँ धर्मराज के दरबार में जब मैं गई हुई थी वहाँ मुझे पता चला। धर्मराज ने बताया कि ऐसे ऐसे तुझे कोई संत मिला था, वो साधना तूने 4 वर्ष की थी। हाँ जी, 4 वर्ष की थी, उसके बाद उसके कारण तुझे ये इतने मनुष्य जीवन मिले हैं, अब तेरा मनुष्य जीवन शेष नहीं है, अब तू पशु योनि में जाएगी, कुछ दिन इंतजार कर, तेरा नंबर आते ही वहाँ ठोक देंगे तुझे। तो उसने बताया कि ये आज परमात्मा खुद पहुँचे वहाँ पर, और धर्मराज के सामने वकालत करी वकील बन के कि ये मेरी भक्तनी थी, पिछले जन्म में मेरी साधना कर रखी है, इसको छोड़ तू अकाउंट नहीं ले सकता। धर्मराज ने हाथ जोड़ लिए और इनको वापस दे दी मेरी आत्मा, मैं यहाँ खड़ी हूँ आज। लोगों, ये भगवान आए हैं, ये अल्लाह अकबर है, आँख खोल लो, चरण ले लो। लाखों लोगों ने कबीर साहब की शरण ली। बोलो सतगुरुदेव। उस लड़की ने कहा मैं आज से अपने पिता के साथ रहूंगी, मेरा जीवन शेष नहीं था, आज इस दाता ने मेरे को मनुष्य जीवन अपनी शक्ति से एक्सटेंड किया है। समरथ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंत्र 2 कबीर साहब के ऊपर खरा उतरता है, तो हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। और कितनी कथा सुनाऊं आपको इस समर्थ भगवान की, और कृष्ण जी की हम एक कथा गाया करते थे, उसने सुन सुन कर भगवान मान लिया। तो कबीर साहब समझाया करते थे, कबीर साहब कहा करते थे, बंधन काटे विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्नोरे नर प्राणिया वो गरुड़ बड़ो के राम। परमात्मा समझाया करते थे उसमें कि तुम श्री राम को भगवान बताते हो, और जब तुम्हारी कथा में है रामायण में कि श्री रामचंद्र जी को, रामचंद्र जी के ऊपर पूरी सेना के ऊपर नाग फांस का एक हथियार छोड़ दिया था, सारी की सारी सेना नाग फांस में आ गई थी, यानी इतने सर्प हो गए थे, सभी सेना को ऐसे हाथों से और चारों तरफ लपेट के बांध दिया था, इंक्लूडिंग लक्ष्मण एंड श्री राम, और ऐसे खड़े थे, ऐसा है हुए सारे जैसे ईंख बांध दिया करें, और सारी सेना खड़ी खड़ी देखा कि काटेंगे ये सारे राक्षस हमें। तब नू कहे हैं कि गरुड़ से पुकार करी गई, गरुड़ वो पक्षी जो राम श्री रामचंद्र विष्णु जी का वाहन बताते हैं, गरुड़ आए, गरुड़ ने फिर उनके नाग काटे, सारे नाग मार दिए। जब भगवान श्री राम बंधन मुक्त हुए, परमात्मा कहे फिर बंदी छोड़ कौन होया, गरुड़ हो गया, तेरे राम का भी बंदी छोड़।
काटे बंधन विपत में वो कठिन कियो संग्राम में, चिन्नोरे नर प्राणिया ये गरुड़ बड़ो के राम। एक गोवर्धन पर्वत को उठा लिया श्री कृष्ण जी ने, तुमने भगवान मान लिया। गोवर्धन श्री कृष्ण धारो, द्रोणगिरि हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठा रहा, इनमें कौन भगवंत। क्या एक पहाड़ को उठाने मात्र से भगवान की संज्ञा में ले लिया, समर्थ मान लिया तुमने? तो तुम्हारी कथा तुम लोकवेद सुनाते रहते हो कि शेष नाग ने सारे ब्रह्मांडों को सिर पर रख रखा है, फिर और हनुमान जी ने द्रोणगिरि उठा लिया था, इनमें कौन सा भगवान? ये भगवान की पहचान नहीं, जो डेफिन जो तुमने पैमाना ला रखा है, ये भगवान में अपनगा नहीं है। फिर कहते हैं लंका पाट समुद्र पाट लंका गयो, यो सीता को भरतार, अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, इनमें कौन करतार। ओए होए, ऐसे सटीक प्रमाण दे रखे भगवान ने, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुली, क्योंकि हमारी बुद्धि काल के प्रभाव से इतनी दबी हुई थी। परमात्मा ने कहा कि तुम्हारी बात बड़ी करता हूँ कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बनवा दिया, इसलिए आप उसको भगवान मानते हैं। वैसे तो यह कहानी न्यारी है, दास बताता रहता है। ये खुद भगवान कबीर साहब गए थे एक महात्मा मुनिंद्र के रूप में, और इनकी अर्ज पर एक पत्थर को एक पहाड़ को हल्का कर दिया था, चारों तरफ रेखा खींच दी थी कि ये फ्लोटिंग हो गया है, अरे ले जाओ पुल बांध लो। श्री राम के बस का ना था समुद्र पर पुल बनाना। तो परमात्मा कहते चल तुम्हारी बात बड़ी मानते हैं, वह तो बात तुम्हारे कहाँ समझ में आओगी कि लंका पाट समुद्र को पाट के यानी उसको पुल बना के छाप के, और लंका गया था कौन? तुम्हारी सीता का पति राम, सीता पति सीता को भरतार, और अगस्त ऋषि ने तुम आप बताओ सातों पी लिए गुट में, थे इनमें कौन सा भगवान? जबकि श्री रामचंद्र जी तो 3 दिन तक समुद्र में खड़े होकर याचना कर रहा था, मन रास्ता दे दे, फिर भी ना रास्ता मिला, और अगस्त ऋषि ने एक घूंट में सारे पी लिए थे, फिर वापस छोड़ भर दिए। अगर ये इस तरह के अटपट से तुम भगवान को प्रसिद्ध करना चाहते हो तो यूँ भी सिद्ध ना होता तुम्हारा। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। तो निष्कर्ष निकालना जाओ सारी कथाओं का, ये जड़ी बूटी तो सबने पता था, या तुलसा है या फलानी है या है? तो उनकी जड़ी उसका जो तो औषधि बना वो है वैद्य, तो ये दास है इस अध्यात्म मार्ग का वैद्य, और जड़ी बनाकर भगवान डर गए थे सतनाम और सारनाम की, जो आज दास के समझ मांगी और उसका परिणाम आप देख रहे हो। लाखों लोगों का रोग नाश हो गया, घर में वृद्धि होने लगी, सन्नी संतान को संतान मिल रहा है, निरोग हो रहा है, और फिर ज्ञान ऐसा प्रबल आत्मा को गदगद कर देता है। अपने आत्माओं, धर्मदास जी को परमात्मा ने तो थोड़े उदाहरण दिए थे दास ने, क्योंकि वो तो भगवान थे, अपने बारे में कहे तो ना समझ माओ, इसीलिए एक गुरु की एक दास की आवश्यकता होती है जो आत्मा और परमात्मा का मिलन करवावे। तो ये दास है इस विश्व में परमात्मा से मिलाने वाला, सच्चा ज्ञान बताने वाला और काल के बंध से छुड़वाने वाला। अब दूसरा प्रसंग था धर्मदास जी का कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के 2 मुट्ठी चावल खा के और उसको धनी बना दिया, उसका एक महल बना दिया। परमात्मा बोले एक राजा का मित्र, उसके लिए ये कोई खास बात है? तुम आप बताते हो श्री राम कृष्ण जी तो राजा थे द्वारका के, एक मित्र के लिए एक ढूंढ बना दिया छोटा सा, एक दे दिए उसमें 200-400 रुपये, सारी उम्र बतेरे उसको, तो इसी से भगवान मान लिया। अब ये दास बताएगा अपन आत्मा। वैसे थोड़ी सी जो शिक्षाएं हैं, क्योंकि जो हम पहले ज्ञान सुना करते थे वो ज्ञान समझ लो प्राइमरी सत्र का था,
ब्रह्मा विष्णु महेश को ये भगवान मानते थे, तो ये ज्ञान प्राथमिक पहली पांचवी कक्षा तक का समझो, और जो काल को ब्रह्म को भगवान मानते थे वो मैट्रिक तक का ज्ञान समझो, उनकी बुद्धि मैट्रिक तक समझो। लेकिन विधि ठीक ना होने से और वैसे उनको मान लेने से वो ज्ञान होने से भी कोई लाभ नहीं था। अब जैसे हम कथा सुना करते सुदामा और कृष्ण जी की, अब इन कथाओं से भी थोड़ा सा निष्कर्ष हम साथ लेकर चलेंगे, तभी हम, क्योंकि बच्चा जो पाँचवीं छठी सातवीं दसवीं पढ़ ले तभी तो अगली पढ़ाई पढ़ सकता है, उसी दब गर्मी में कैसे हो सकता है, तो वो पढ़ाई पहले आपको पढ़ा कर आगे चलेंगे। श्री कृष्ण जी बालकपन में और सुदामा जी एक ही पाठशाला में पढ़ा करते थे, और सुदामा ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण भगवान से के ज्ञान से अवश्य परिचित होते हैं, उनको ये मालूम होता है कि जो जैसा कर्म किया हुआ है वैसा ही फल मिलता है। सुदामा और कृष्ण अपनी शिक्षा पूरी करके अलग अलग, वो द्वारका के राजा बन गए, वो अपना एक ब्राह्मण गरीब निर्धन ब्राह्मण था, तीन चार बालक थे, निर्वाह बिल्कुल नहीं चल रहा था, कई बार तो भूखे रह जाते थे, बच्चे भी रोया करते थे रोटियों को। अब सुदामा गणा निर्धन था, उसकी पत्नी बहुत बार कहा करती थी कि आप कहते हो श्री कृष्ण राजा हैं, वो मेरे क्लास फेलो थे, तो क्लास फेलो की तो क्लास फेलो गणी इज्जत करा करें, आप जाओ कुछ धन मांग लियाओ, आप तो ब्राह्मण हो। सुदामा ने कहा ब्राह्मण का काम मांगने का नहीं होता, भिखारी का होता है, मर जाऊंगा पर मांगूंगा नहीं। लेकिन उस मिश्राणी के घड़ा कहने से, बार बार कहने से वो विवश हो गया कि चल या कहती हो तो मैं चला जाता हूँ पर मांगू कती नहीं। वो कहा करता था सुदामा के मेरे भाग में नहीं है, मैंने पिछले जन्म में धर्म नहीं करा, क्या कोई पुण्य नहीं करा, जिस कारण से मैं निर्धन हूँ, अगर मुझे धन मैंने दान किया होता मैं निर्धन नहीं होता, और आज मुझे ज्ञान है तो मेरे पास धन नहीं, मैं तो दान कर दूँ। अब जब वो चलने लगा, जैसे आज आप जी भी जाते हो कोई रिलेटिव के पास, मित्र के पास कुछ फल ले जाते हो, तो पहले कोई कसार ले जाया करता था, कोई चावल भून के ले जाता था, तो ऐसे वो कुछ चावल बांध दिए अकेले, और तो हमारे पास कुछ है नहीं, अपने मित्र के पास यही ले जा, और फटे पुराने कपड़े जैसा भी है वो वहाँ चले गए। अब श्री कृष्ण जी ने उसकी हालत देखी, पूछा कि आओ मित्र, बहुत दिनों में मिले और क्या हाल है परिवार का, तो सुदामा जी ने कहा जी ठाठ है, भगवान की दया से कोई कमी नहीं किसी वस्तु की। लेकिन वो तो समझ गए थे, जिसी बालक थोड़े थे श्री कृष्ण जी, तीन लोक के मालिक हैं, वो समझ गए कि तो दुखी गणा हो रहा है, सात दिन रखा वहीं पर कि बैठो नहाओ धो रोटी खाओ, अपने हाथों उनके शरण धोए मित्र गए। अब सात दिन के अंदर विश्वकर्मा को बुलाकर वहाँ महल बना दिया, पीछे थे धन दे दिया, एक मेरे मित्र के पास भेज दो और उसको आजीवन धन दे दो। अब उधर से सुदामा जब चलने लगा, सातवें दिन के मित्र में जाता हूँ बच्चों की याद सता रही है, एक अच्छा जाइए, उसके कपड़े सफ़ेद बढ़िया बनवा दिए, वो बना दिए उसको, लेकिन चलते समय भी ये नहीं कहा कि मैं कुछ लेने आया था, लेकिन मन में दोष जरूर आ गया थोड़ा सा कि काहे का मित्र है, इसको नहीं पता मेरी क्या हालत थी और मेरे से पूछा क्या हाल है, इसको खुद सोचना चाहिए था। ये इतना दोष आया था, रास्ते में क्या हुआ कि बदमाश लोगों ने देखा कि वो सेठ आवा है, अच्छे काचे कपड़े पहन रहे हैं नए नए, उसको जाते ही पकड़ लिया, वह कपड़े भी उतार लिए सारे, जेब में कुछ था ही नहीं वो उठा ले गए। अब फिर उसके मन में आई कि भाई गलती करी मैंने, मित्र का की आलोचना करी जिसकी सजा मुझे ये मिल गई, क्योंकि हम भगत आत्मा इसी हिसाब ला लिया करें तुरंत। तो अब लंबी कहानी ना कहूँ, दास ने उसने आकर देखा कि महल बना है, बड़ा खुश हुआ, लेकिन मांगा नहीं, इसको ब्राह्मण कहते हैं, अरे ये ब्राह्मण इतने जर्दे तेरे न्यू हो जाएगा, तेरे पर करड़ाई आने वाली है, ये कर दे फलान कर दे, श्राद्ध निकलवा ले, मेरी दक्षिणा इतनी दे दे, ये ब्राह्मण नहीं है।
अब देखो, एक तुम भगवान मानते थे श्री कृष्ण जी को, विष्णु उर्फ विष्णु जी को, विष्णु ही श्री कृष्ण मानते हैं, और उन्होंने कितनी सहायता दे दी सुदामा जी को, एक मकान बना दिया छोटा सा पक्का, और एक जीवन क्या निर्वाह भी दे दिया, ना तो मोक्ष श्री कृष्ण का और ना मोक्ष सुदामा का। अब उस समर्थ परमात्मा ने क्या दिया, एक तैमूरलंग नाम का एक लोहार था मुसलमान धर्म में, और वो बहुत निर्धन थे, भेड़ बकरियों का पाली जाया करता था साहूकार लोगों का, उससे उस समय ये नोट नाट नहीं हुआ करते थे, बस दाने दे देते थे, कणक दे देते थे आपस में, तो जिससे वो माँ दो माँ बेटा थे, पिता की मृत्यु हो चुकी थी, इतना निर्धन थे कि बस हैंड टू माउथ ही थी। उसकी माता बड़ी भगवान थी, बहुत धार्मिक व्यक्ति की थी, कोई भी रास्ते चलता व्यक्ति आ जाता था उसके घर पे, खाना खाए बिना जान नहीं देती थी। कई बार तो ऐसी स्थिति देखी है उसने, उन्होंने कि अतिथि आ गया, तैमूरलंग के संस्कार बढ़िया बने हुए थे, और माँ ने रोटी बनाई घर में, एक अतिथि की रोटी थी, उसी अतिथि को खिला के स्वयं दोनों माँ बेटा भूखे सो जाया करते थे, ऐसे संस्कार उसके अंदर पड़े हुए थे। और ये पिछले जन्मों से परमात्मा के हंस थे तैमूरलंग भी, लेकिन हम बीच में गलती कर जाते इसलिए भटकते रहते। एक दिन तैमूरलंग बकरियां चरा रहा था साहूकारों की, स्वयं पाली बनकर, और जो खाना लेकर गया था घर से वो खा चुका था। अब परमात्मा उसी समय जिंदा महात्मा का रूप बनाकर उस पाली के पास पहुंच गए, तैमूरलंग के पास वृक्ष के नीचे बैठा था, बकरियां चर रही थी, कुछ वृक्षों के नीचे बैठी थी। तो तैमूरलंग ने कहा कि महात्मा, संस्कार थे माँ के कि कोई भी अतिथि मिल जाए बेटा भोजन की अवश्य प्रार्थना करना, क्या महाराज खाना खाओगे, कहाँ बेटा भूख लगी है। उसने कहा महाराज थोड़ी देर लेट आए, थोड़े से मैं भोजन खा चुका हूँ और अभी मैं घर से लाऊंगा, सामने घर है, थोड़ी दूरी पर है हमारा घर गाँव में, और अभी लाता हूँ, मेरी माँ बहुत अच्छी है, जाते बना देगी, और ऐसे करना भगवान मेरी बकरियों का ध्यान रखना, हम गरीब बहुत हैं, एक बकरी भी इधर उधर होगी तो मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा धनी की, मुझे बहुत दुख होगा। परमात्मा बोले बेटा चिंता ना करें, मैं खूब रखवाल करूँगा। वो घर गया, माँ से प्रार्थना की कि ऐसे ऐसे एक राह चलता संत है, भूखा है माँ। माँ ने जब घर में इतना आटा था केवल दो रोटी बनाई, दो ही रोटी बनी, दोनों रोटी बना के लेकर आएगी। माँ ने कहा कि बेटा मैं भी चलती हूँ, तू मैं बर्तन ले आऊँगी, तू वहाँ अपना रखवाली करना, पाली रहना, दोनों आगे दर्शन भी करके आऊंगी साधु के। अब साधु को सामने बैठा देखकर माता ने कहा ले महाराज रोटी खा लो। परमात्मा खाना खान लग गया तो इतने में माई ने तीन चार बार प्रार्थना कर दी, महाराज हम गढ़े गरीब हैं, हमारे पास तो कई बार भोजन भी नहीं होता, दया करो कुछ आशीर्वाद दो, हमारा गुजारा ठीक चले। परमात्मा ने खाना खाया, इतने चार बार बार प्रार्थना कर दी, चार पांच बार परमात्मा खड़े हुए, एक बकरी बांधन की बेल पड़ी थी पतली सी, लोहे की बेल होती है जैसे पशु बांधा करें, उसको ऐसे चार बार मोड़ लिया, वह इतनी रहेगी, उसको पकड़ के उसके बेटे रोटी खा के पानी पी कर लौटा। खड़े हुए साधु और उस लड़के के सिर पर हाथ धर के कड़म मारी, सात मारी, सात सांगल वो बेल मारी कड़पे, एक दो तीन चार, सात गिनी। माई ने सोचा बाबा जी मेंटल है और मैंने घना छेड़छाड़ दिया, यो दुखी हो गया, बेटे को कूटने लग गया। तो माई ने पूछा महाराज मेरे बेटे ने कोई गलती कर दी। अक नहीं माता, तेरे माई तेरे बेटे को सात पीढ़ी का राज दे दिया, मैंने सात पीढ़ी का राज बख्श दिया है और उसके बाद तेरा राज टुकड़ों में बट जाएगा। माई ने सोची बाबा सचमुच मेंटल है, फिर मारी थी उस बच्चे का पांच चार मुक्के, एक दो लात मारी कि ये लात मुक्के इसलिए मारे हैं फिर तुम्हारे टुकड़ा में राज बट जाएगा। तैमूरलंग से लेकर औरंगजेब तक दिल्ली की राजधानी पर, राजगद्दी पर तैमूरलंग के वंशजों ने सात पीढ़ी ने राज किया
औरंगजेब के बाद ये टुकड़ों में बट गया था। इतिहास गवाह है। तैमूरलंग ने दिल्ली पर शासन किया था, अपना एक प्रतिनिधि यहाँ छोड़ दिया था जो उसको टैक्स देता था। उसके बाद उसका तीसरा पोता बाबर दिल्ली का बादशाह बना था। उसके बाद कंटिन्यू आप इतिहास देख लेना, विचलित ना होना। दास दो शब्द बोलेगा वो, ऐसे समझ लेना जैसे तहसील में रजिस्ट्री होया करे, कोई धोखा नहीं पावे। अब ये बना कैसे? अब माई ने सोचा तो पागल था, और उसी समय अंतर ध्यान हो गए उनके सामने से। तो माई ने सोचा बाबा जी था तो शक्ति वाला, पर जो नौका तेरे बेटे को साथ पीढ़ी का राज दे दिया, या गले ना उतरी बात। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वही उसी रूप में परमात्मा तैमूरलंग क्या किया करता था, लोहार था ही, या एक्स्ट्रा जॉब भी करता था पाली जाने की गरीबी के कारण। उधर से एक लोहार के एरन पर चोट लगाता था, ओवर टाइम करता था शाम को आकर के, वो उसको थोड़ा बहुत और अन्न दे देता था महीने दो महीने में, इससे वो गुजारा करे थे। तो जिस एहरन पर वो चोट मारने के लिए लोहार के पास जाता था, लोहार अपनी कोई औजार बनाता था तो वो घंट चलाया करता था घंटे दो घंटे शाम को। लोहारों के पास इतना इसी समय शाम को ही ज़्यादा कार्य होता था। तो एक दिन परमात्मा उसी जिंदा महात्मा के रूप में तैमूरलंग को दिखाई दिए स्वप्न में, और कहा बेटा वो एरन मोल ले लो, तुम जहाँ तू सर्विस करने जाता है ओवर टाइम करता है वो एरन मोल ले ले। तो उसने कहा महाराज हमारे पास तो पैसा नहीं, कि ऐसा कर तू उधार पर ले लेना, और उसके नीचे घना धन दाब रखा मैंने, हीरे मोती जवाहरात सोना, और उसको धीरे धीरे प्रयोग में लाना, किसी को पता ना लगने देना, ना दुनिया लूट लेगी तेरे से, और ये काम मैं करूँगा, तू उसे उधार की बात करना वो उधार दे देगा, ये मेरा काम है। परमात्मा जब सौदा बनाता है दोनों तरफ खड़े हो जाते हैं। उधर से उस लोहार के मन में प्रेरणा प्रबल कर दी कि ये स्थान थोड़ा है मेरे लिए, बाहर मेरा एक और प्लाट है बढ़िया, यदि इसको कोई ले ले मोल तो मैं इसने बेच दूँ, मैं वहाँ बना लूँ एहरन डाल लूँ। प्रबल प्रेरणा, उधर से जाके सुबह उठा उसने अपनी माँ से बताया कि माता ऐसे ऐसे मैंने गुरु वो महाराज जी दिखे थे, वो जो जंगल में मिले थे, रोटी खाई थी, मेरे सांकल मारी थी, बेल मारी थी। उसकी माँ बोली बेटा दिखे मुझे भी थे स्वप्न में आज ही, पर मैं कुछ शब्द समझ नहीं पाई वो कहे क्या रहे थे। तैमूरलंग बोला मैं बताता हूँ, मेरे याद है उन्हें ऐसे ऐसे बता। तो कहने लगी बेटा महात्मा तो शक्ति वाले थे, हमें एकदम अंतर ध्यान हो गए थे, पर वो पैसा तो है नहीं बेटा, लेंगे कैसे हम उसको। तो उन्होंने समाधान बताया है कि आप उधार कर की बात करो। माँ बोली देख ले बेटा ट्राई करके। तो उसने जाके तैमूरलंग ने कहा कि भाई मैं एक अर्ज करता हूँ आपसे, ये मैं भी गुजारा कर लूँ, मैं भी लोहार हूँ आप भी लोहार हो, और मुझे एरन दे दो ये। वो बोला पैसे कब देगा तू? एरन वाला बोला कि अभी तो है नहीं, मैं कुमा के दे दूँगा, अकपक्की बात अकपक्की, एक साल में दे देना। हाँ एक साल में दे दूँगा, आप पे कवा दी परमात्मा ने। तो तैमूरलंग के ठिकाना नहीं रहा खुशी का, उसने तो अगले दिन वहाँ से एरन निकाला, बोला एरन भी छोड़ दे, एरन भी छोड़ दूँगा पुराना हो रहा है। वहाँ जाके अब नया गार्ड लिया एक लोहे का लठ उसने, और वो वहीं छोड़ गए। माँ बेटा ने चारों तरफ चार द्वारी बनाई कच्ची ईंटें बना बना कर, कुछ उस पर एक झोंपड़ी सी डाल ली और एरन बाहर रख लिया, नीचे से खोदा तो नौका नो धन पाया उसने। अपने आत्माओं उस समय जब ये पाली जाया करता था तैमूरलंग, उस समय उसने के दृष्टांत एक घटना देखी थी जो उसके हृदय को छू गई थी, वो मिट नहीं रही थी हृदय से। उसी नगरी का राजा घना निकम्मा था, और गांव की सुंदर लड़की उसके एजेंट बता दिया करते थे, और वो अपने मंत्री और सैनिकों को द्वारा उन लड़कियों को उठा ले जाता था, उनके साथ विलास किया करता था। एक दिन ऐसी एक लड़की गांव की तैमूरलंग के ही आसपास घर की चारा लेकर आ रही थी खेतों से, सुंदर लड़की थी, राजा के कर्मचारी उसको
अपहरण करने लगे। उसने आवाज लगाई, रे तैमुरलंग, हे तैमुरलंग मुझे बचा भाई, तैमुरलंग मुझे बचा भाई। तैमुरलंग ने देखा भाई सचमुच ये तो बकवादी आदमी है। पाली के पास तो लठ होता है, डंडा लेकर लठ बाज लिया, ताबड़ तोड़ लग गया उन सैनिका ने कूटने। वो चार पांच थे, वह अकेला था, तो उन सैनिकों ने उसको इतना पीट दिया, मार दिया, कति खत्म करके डाल गए, पीठ छेद कर लड़की को उठा ले गए। जब वो होश में आया उसके बाद उसने एक प्रतिज्ञा कर ली कि यदि मैं राजा बन गया इसको सबक सिखाऊंगा इस राजा को। अब राजा की सपने भी नहीं, पर मन मत आवे है सब कही बात। उधर से क्या हुआ, उसने धन देखा, दोनों माँ बेटा खुशी का ठिकाना नहीं, लेकिन निर्देश जो महाराज ने दे रखा था वो याद रखा। कुछ धन निकाला, दूर देश में जाकर बेचा। वहाँ से क्या किया उसने, कुछ अपने साथी सैनिकों से कहा, घोड़े लाया, पहले घोड़े लाया, घोड़े लाकर बेच दिया, क्यों उधर घोड़ों का व्यापार ज़्यादा होता, तो लोगों ने सोचा इसका व्यापार में बहुत वृद्धि होगी एकदम, ये तो बहुत, एक दो घोड़ा लिया, फिर दस दस बीस बीस लाला बेचने लग गया। उधर से उसने क्या किया, अपने आसपास के जवान लड़कों से कहा कि भाई देखो ये राजा बहुत निकम्मा है, ये अपनी बहन बेटियों के साथ ऐसे करता है, ये टैक्स भी बहुत लेता है, मैं राजा बनूंगा और मैं सबको टैक्स फ्री कर दूंगा, बहुत जायज टैक्स लिया करूंगा और सेठों से लिया करूंगा, गरीबों से नहीं लूंगा, ये आगा पीछा नहीं देखते, और आप मेरे सैनिक बनो, मैं तुम्हें मेहनताना दूंगा। अब लोहार था, लोहार के बच्चे कुछ रिश्तेदारों के इकट्ठे करके जंगल में तलवार बनाने का कारखाना बना लिया, ढाल और तलवार, और घोड़े ले आया, सेना तैयार कर ली। कुछ दिनों के बाद उस राजा पर आक्रमण कर दिया। भगवान की रजा होती है, वचन फलता है, भगवान का जो निर्धारित होता है। सुबह सुबह जाकर चारों तरफ से किला घेर लिया उस राजा का, और कहा कि या तो सरेंडर कर दे ना युद्ध के लिए तैयार हो जा। अब राजा ने कहा कि सैनिकों, वजीर देखो क्या है, क्या हो गया। वजीर ने ऊपर चढ़ के किले पर देखा कि बाहर इतनी सेना खड़ी है, राजन अपना सरेंडर करने में हित है। 500-400 सैनिक थे, दिखे 5,000, परमात्मा की रजा, समर्पण कर दिया राजा ने, सरेंडर कर दिया, वो राज प्राप्त किया। और उसको कहा कि आज मैं अगर परमात्मा से न डरने वाला होता, ये मुझे याद आया उसने कि मेरे को किसी संत ने आशीर्वाद दे रखा है, तुझे मारूंगा नहीं, तू नगरी छोड़ जा और या यहाँ एक सिंपल मैन की तरह रह, अपना गुजारा कर, रोटी बना रखा, नहीं तुझे भाग जाया से। जैसा भी उसने उस पर कब्जा किया, फिर दूसरे राजा को कहा कि राजा अन्यायी थे, नालायक गणे हो गए थे, तो एक दूसरे को ऐसे काबू करता करता वो तैमुरलंग यहाँ पहुँच गया, दिल्ली का बादशाह भी बन गया, दिल्ली को भी अपने अंतर्गत करके वहाँ एक नुमाइंदा रख दिया उसने, ये इतिहास गवाह है। तो तैमुरलंग ने जब ये शासन सारा पा लिया तब तो परमात्मा फिर मिले हैं। ऐसे शिकार में वो गया हुआ था, कहने लगा रहा निकम्मी आत्मा, वो बैठा था तो वहाँ उसने बहुत सुंदर कपड़े पहन रखे थे तैमुरलंग ने, बहुत यानी 2.5 रुपये की कीमत थी उसके पूरी ड्रेस की, उस समय के 2.5 और आज के 25,000, ये समझ लो। तो परमात्मा वहाँ खड़े थे, उनका वहाँ खाना खुना सैनिकों का हो रहा था, शिकार के लिए राजा गया हुआ था, वहाँ बैठा था। तो आके परमात्मा भी किसी अन्य रूप में वहाँ खड़े हो गए, तो कहने लगे राजा आपकी क्या कीमत है। एक सामने एक व्यक्ति खड़ा होकर कह रहा है कि आपकी क्या कीमत है, कि आप ही बता दो मेरी क्या कीमत है, कि तेरी कीमत है 2.5 रुपये। राजा बोला गलत बोल रहा है, 2.5 रुपये का तो मेरा ही ड्रेस है, बोला इससे इसकी कीमत है, तू तो एक अन्य का भी कोनी। निकम्मी आत्मा तेरे को इसलिए ये राज्य दिया था कि कर्म फोड़ अपने, परमात्मा ने वो रूप बना लिया जो वो दिन भूल गया, तू एक बकरी चराता फिरता था, गिड़गिड़ा रहे थे,
आज भूल गया भगवान को, चरणा में पड़ गया उसी समय, अपने बेटे पोतों को देकर राज और लेकर दीक्षा और फिर से भक्ति शुरू करी। तो पुण्यात्माओं, सुदामा को एक ढूंढ बना दिया, एक छोटा सा मकान वो दे दिया, दो एक साल एक जीवन का गुजारा, तो क्या अमर हो गया वो? सात पीढ़ी का राज दे दिया कबीर साहब ने एक रोटी खा के, और फिर मोक्ष दिया उस प्राणी को। ये नारी ताकत है कबीर भगवान की। बोलो सतगुरुदेव। समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, कदे न हो अकाज राम रंग होरी हो। कि ऐसे समर्थ की शरण प्राप्त करो, यहाँ रहोगे तो जब तक मौत से रहोगे कोई आपत्ति नहीं आने देगा, यदि मर्यादा में रहे, और सतलोक जाओगे सदा का सुख हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहे। सर क्या नाम है आपका? कृष्णचंद दास। सर कहाँ से हैं आप? डभरा जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 9/7/2017। सर क्या काम करते हैं आप? पहले मैं पटवारी काम करते थे राजस्व विभाग में, अब रिटायर हो चुका हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? ये लोग जो पहले था, राम का, कृष्ण का, शिव जी का, देवी का है, गणेश जी का है, ये सब करते थे। ये करते करते पहले हमने नवरात्रि व्रत भी रखा, शिवरात्रि भी रहा और गणेश चतुर्थी भी रहा, दोनों पक्ष के नवरात्रि भी रहते थे। किसी प्रकार के कोई काम नहीं आया, बहुत तकलीफ पाया। एकादशी व्रत रहते थे, एकादशी व्रत करीबन 18 वर्ष तक रहा। 14 वर्ष बाद उद्यापन कर लिए, फिर भी मालिक ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपने भक्ति करता रहा, फिर भी नहीं छोड़ा था। ऐसे करते करते जीवन में बहुत तकलीफ आया, इतना व्रत किया, कार्य करते करते कहना चाहिए एकदम शरीर किसकायमय हो गया, इतने सूख गया शरीर भी। फिर भी परमात्मा के चाह रहा, कुछ न कुछ तो भक्ति करना ही पड़ता है, भक्ति करता रहा। शुरू से ही हम लोग कबीरपंथी वाले थे, चौका कराते हैं, सब कुछ करते हैं, परमात्मा की चाह रहा भाई। बहुत खोजा, बहुत किया, अनेक प्रकार के व्रत उपवास किया। साल भर में हम दोनों पति पत्नी, मेरे से ज़्यादा तो उसके 70-75 दिन हो जाते थे, मेरा कम से कम 50 दिन के लगभग हो जाता है व्रत उपवास में, इसलिए शरीर एकदम कमज़ोर पड़ता गया। जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत सारी भक्ति साधनाएं करते थे, उनकी आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें भी बताई, लेकिन समाज के हिसाब से आप भक्ति कर ही रहे थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हाँ भाई जी, एक समय की बात है, बताया कि चाचा जी मैं आपको एक अनमोल चीज़ भेंट कर रहा हूँ। बोलो भाई क्या अनमोल है, देखते हैं, चाह तो है अनमोल के लिए। उन्होंने हमें ज्ञान गंगा दिया पुस्तक, ज्ञान गंगा पुस्तक में कमल के फूल में लिखा है, चारों धर्म का अक्षर लिख के एक ओम जैसे लिख बना हुआ है, वो चारों धर्म का देखा, नीचे जीव हमारी जाति है, हाँ मानव है, हमारा धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा, ये सब देखा तो भाई जी क्या बोलूँ, आँखें फटी फटी रह गया। एक कमल फूल में सभी धर्म का परमेश्वर बनाकर इस प्रकार से जब बता रहे हैं, ये तो साक्षात परमेश्वर वही है, कभी भी परमेश्वर ही हैं। उसको स्वीकार किया भाई, मस्तक में लगाया, घर ले गया, पढ़ा, खूब पढ़ा उसको, पढ़ते पढ़ते अब धीरे धीरे 4 वर्ष हो गया, मैंने सब देवी देवता को छोड़ दिया, पूजा पाठ कबीर परमेश्वर के सामने में मूर्ति रखा, घी का दीपक जलाते जलाते पूजा करता रहा सिर्फ कबीर परमेश्वर का। कबीरपंथी हैं भाई हम लोग, चौका वाले हैं, हमें जो दामा खेड़ा वाले हैं उनके अंश खरसियाँ हैं, वो खरसियाँ के अंश शक्ति में हैं, तो शक्ति वाले से मठाधीश से हमने अपना गुरुग्रह प्राप्त किया, उनसे नाम दीक्षा लिए थे, लेकिन वो कुछ नहीं उसमें, वही नाम है उसमें आदि नाम, अजर नाम, अदि नाम, अमी नाम, तो वह कौन सी नाम है जो आदि है अजर है ये पता नहीं चल पाया नाम का, अटपट लगा, फिर भी करता रहा परमात्मा की चाह है। ऐसे करते करते जब ये ज्ञान गंगा मिला तो
तो सब पूजा पाठ छोड़ करके सिर्फ कबीर परमेश्वर के ध्यान लगाया, इस पर देखता रहा, बीच बीच में टीवी चैनल देखता रहा। तब संत रामपाल जी महाराज से ही 2017 में नाम दाम लिए चापा जा करके। सर जैसे कि आपने बताया कि आप जो पहले भक्ति साधनाएं करते थे उनसे आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको लाभ भी मिले? हाँ, सर्वप्रथम लाभ मुझे वह मिला कि खरवों जीवन मनुष्य मिलने के बाद में आज मुझे सच्चे गुरु मिला। सच्चे गुरु कौन मिला? वह तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। तो रामपाल जी महाराज से मैं नाम दीक्षा लिया, उसके पश्चात ये मेरा उंगली का हड्डी शायद बढ़ रहा था, दिख रहा है इसमें छोटा बड़ा दिख रहा है दोनों से, ये बढ़ रहा था इससे दर्द हुआ। हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाया, कहीं कुछ नहीं हुआ। हस्ताक्षर करने बच्चों का प्रमाण पत्र में बहुत तकलीफ था, संत रामपाल जी महाराज से नाम मिलते ही ये अपने आप समाप्त हो गया। इसी प्रकार से मेरे पत्नी की साटिका की बीमारी थी, कमर से नीचे वो कहीं चल फिर नहीं सकती थी। मेरे पास 12-13 जानवर थे, कहीं बाहर इलाज कराने के लिए ले जाएंगे कह के सबको बाँट दिया, बेचा नहीं किसी को, क्योंकि वहाँ के हम लोग मालगुजार थे उस समय, सबको दे दिया। अब बाहर ले जाए गए, बहुत कोशिश किया, उसकी वो दर्द ठीक नहीं हुई। जब वो भी साथ में उसी दिन मेरे साथ अपने पत्नी नाम ना लिखे ले रामपाल जी महाराज से, तो उसकी कमर की दर्द कमर से लेकर पैर तक कैसे गायब हो गए उसको भी पता नहीं रहा, जो इतने दर्द रहा शायद उस साटिका ही बता रहे थे। इस प्रकार से मालिक के शरण में आने से मेरा जो दमा, खांसी, सर्दी, श्वास, ये इतना बीमारी मुझे परेशान कर रहा था, मेरा पूरे जीवन बर्बाद कर दिया। बहुत खर्चा किया, रायगढ़ जाए, बिलासपुर जाए, जहाँ जहाँ के जो बताए, ठीक नहीं हुआ। रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से ये सब बीमारी छुमंतर हो गया। उसी प्रकार से मुझे बवासीर हो गया, बवासीर बार बार होता रहा, आता रहा, फिर होता रहा, आता रहा, ठीक हो जाता, आता रहा। अभी अभी रामपाल महाराज से अरदास लगाए थे, वह भी ठीक हो गया। इसी प्रकार से जो भी मेरा शारीरिक कष्ट था धीरे धीरे वो दूर हो गया। पत्नी की जो साटिका है वो भी दूर हो गई। उसकी ये हार्निया का रिपोर्ट मिला, इसमें बताया गया कि इसकी ऑपरेशन कराना है, ऑपरेशन में करीब 60-70 हज़ार लगभग आ जाएगा, ये बताए। रामपाल जी महाराज से अरदास लगाए, ठीक हो जाएगा बोले, ठीक हो गया, ऑपरेशन नहीं कराना पड़े। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? भाई आजकल बहुत से साधन दे दिए हैं, पुस्तक भी दे दिए हैं, पुस्तक भी पढ़ें, टीवी चल रहा है, टीवी पे चैनल उसके नीचे पर पीली पट्टी चल रही, उसमें वहाँ का मोबाइल नंबर लिखा रहता है, उसको नोट कर लें। नोट करके अपने मोक्ष कल्याण के लिए वहाँ पर फोन करें और फोन लगा करके अपने नाम पता पूरा दें, जहाँ से उनको उनके नज़दीकी में जो भी होगा वहाँ का उनको नाम बता दिया जाएगा, नज़दीकी केंद्र में जा करके अपना नाम दाम लें और इससे अपने अनमोल मानव जीवन का मोक्ष कराएं। धन्यवाद सर। सत्साई। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें